हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिकी विज्ञान की। प्यारे बच्चों, आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी, अर्थात हम कह सकते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और प्यारे बच्चों, सेकेंड टॉपिक रहेगी पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? इन दोनों टॉपिक के साथ ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में प्रकाश की पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। परंतु अगर आप एनसीईआरटी के सिलेबस से देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका भी इसमें मानव नेत्र रह जाएगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, खगोली दूरदर्शी, इन चार पांच क्लासेस और हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अब लगातार आपकी जैसे क्लासेस आ रही थी वैसे ही आती रहेंगी प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि हम अगर आप और हम दोनों मेहनत करेंगे, जबरदस्त करेंगे, तो आपका सिलेबस एग्जाम से पहले समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। बीच बीच में आपको हर एक रविवार को या बीच में किसी दिन आपको जो है अनसाल में मिल ही रहा है, आप वहां से क्विज अपना जरूर रखिए, अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा प्यारे बच्चों। और यदि आप चैनल पे नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई कब तक हम इंतजार करेंगे? आज हमारी टॉपिक है संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। बात किया जाए संयुक्त लेंस क्या होते हैं, ऐसे दो लेंस जो एक दूसरे को मिलाकर बना दिया जाए, यानी एक लेंस दूसरे लेंस से मिला दिया जाए, एक लेंस दूसरे लेंस के पास रख दिया जाए, तो वो संयुक्त लेंस कहलाते हैं। अब चाहे भाई वो दोनों उत्तल हो, चाहे दोनों अवतल हो, चाहे एक उत्तल हो और एक क्या हो, अवतल हो, तो तीनों स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे फोकस दूरी। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये भाई छोटी सी हेडिंग भले दिख रही होगी परंतु इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यहां से पूछते हैं, जरूर पूछते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझते हैं कि माना दो लेंस है और दोनों उत्तल लेंस है, माना दो लेंस हैं, दोनों उत्तल हैं, एक L1 है और एक L2 है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? माना दो लेंस L1 और L2 है, ठीक, दोनों उत्तल लेंस है। अब L1 लेंस से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O है, L1 लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, ओ से चलने वाली प्रकाश किरणें या ओ से L1 लेंस का जो प्रतिबिंब है वो I1 प्राप्त होता है और जिसकी दूरी V1 है। इतनी बात क्लियर हुई? अब जो ये I1 प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों, ये L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगती है। ये जो I1 प्रतिबिंब है ये L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगती है, तो इस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो I बन जाता है। बात आप समझे? यानी L2 लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब I होता है और जिसके लिए I का जो आभासी वस्तु होता है वो कौन होता है? I1 होता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होंगी प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपको इनकी जो रचना है या इनकी जो डायग्राम है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम चर्चा करते हैं, माना दो लेंस L1 और क्या है, L2 है, दोनों उत्तल लेंस है, L1 लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब I1 बनता है, जिसकी दूरी V1 है, ठीक। अब I1 L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है और जिसका प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। इतना लिखने के बाद हम L1 लेंस के लिए पहले सूत्र लगाएंगे फिर L2 लेंस के लिए सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों। क्या आप इतनी चीजें लिख सकते हैं जो हमने बोला है? उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे हैं, आप एकदम इंजीनियर्स बच्चे हैं, तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको लिखने में दिक्कतें आती है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम आइए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। आज जितना हम इस पे इस टॉपिक को समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों वो इसी फार्मूले पे डिपेंड रखने वाला है, 1/V - 1/U = 1/F। ये लेंस के सूत्र का है, हमने इसका भी डेरिवेशन करा के रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे L1 लेंस के लिए। पहले बात करेंगे L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए अब सूत्र लगाया जाए तो 1/V, V होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब बताओ इस वस्तु जो O है इसका जो प्रतिबिंब है वो I1 है और V के स्थान पे बल्कि क्या हो जाएगा, 1/V1 हो जाएगा, ठीक, माइनस
एक बटे यू, यू के स्थान पे आपका यू ही है, एक बटे यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक बटे एफ। तो इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं L1 की लेंस की फोकस दूरी F के बजाय क्या है, F1 है, एक बटे F1 हो गया, समीकरण नंबर एक हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे L2 लेंस के लिए। किसके लिए बात करेंगे भाई? L2 लेंस के लिए। L2 लेंस के लिए, ठीक। अब L2 लेंस के लिए बात करेंगे तो अब हम ध्यान देते हैं एक बटे वी। अब जो प्रतिबिंब बना है वो आपका प्रतिबिंब है वी, प्रतिबिंब आई बना है और आई के लिए जो है वी है, तो वी V1 के स्थान पे वी हो जाएगा माइनस एक बटे यू। अब यू के स्थान पे प्यारे बच्चों आभासी वस्तु का कार्य I1 करना, न कि वस्तु ये है, वस्तु ये है। और अब की दूरी कितनी है? यू के स्थान पे हो जाएगा V1 बराबर एक बटे F2, समीकरण नंबर दो। अब ध्यान देना संयुक्त लेंस यानी ये दोनों आपस में जोड़े गए हैं तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भैया समीकरण एक प्लस दो से, अब जैसे ही समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो आ जाइए समीकरण एक को जोड़ते हैं, एक बटे V1 माइनस एक बटे यू प्लस एक बटे वी माइनस एक बटे V1 बराबर, इधर जोड़ देते हैं हम तो एक बटे F1 प्लस एक बटे क्या हो जाएगा F2 आ जाएगा। देखिए कुछ चीज कैंसिल हो रहा है भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, इधर देखिए आपके सामने बचा एक बटे वी माइनस एक बटे यू, एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर क्या आ जाएगा, एक बटे F1 प्लस F2, एक बटे F1 प्लस एक बटे F2। अभी देखिए गाइस आपने ऊपर लिखा है एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, अर्थात इसके स्थान पर हम एक बटे एफ रख सकते हैं, तो एक बटे एफ बराबर एक बटे F1 प्लस एक बटे F2, ठीक ये मिल गया। अगर हम इनको हल करना चाहे केवल एफ को निकालना चाहे तो हम आराम से केवल एफ को भी निकाल सकते हैं। देखिए आपका एक फार्मूला ये भी होता है, ध्यान से देखिएगा एक फार्मूला ये भी होता है। अब अगर हम आगे हल करना चाहे तो एलसीएम लेते, F1 और F2 का एलसीएम F1 और F2 ही आता, F2 का गुना एक से करते तो भी F2 आता, F1 का गुना एक से करते तो भी F1 ही आता। अब F को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F1 इंटू F2 और क्या हो जाएगा, आगे पीछे हम व्यवस्थित कर देते हैं तो F1 प्लस क्या हो जाएगा F2। तो जब दोनों उत्तल लेंस होते हैं तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी का व्यंजक होता है ये होता है F1 F2 बटे F1 प्लस F2 के क्या होता है, बराबर होता है जब दोनों उत्तल हो। प्यारे बच्चों अब कंडीशन हो जाता है कि जब दोनों आपके क्या हो, जब दोनों आपके अवतल हो, जब दोनों आपके क्या हो, अवतल हो, तब क्या होगा, तो आइए हम उसको समझते हैं। उससे पहले आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कतें नहीं आई होंगी। तो गाइस जैसे अभी आपने कहा कि जब दोनों उत्तल हो तो उसके लिए फार्मूला वो मिला, अब हम अगली स्थिति लगाते हैं कि जब दोनों अवतल हो, सेकेंड केस में जब दोनों अवतल लेंस हो, जब दोनों कौन से लेंस हो प्यारे बच्चों, अवतल लेंस हो, तो केवल फार्मूले में अंतर यह आएगा जब दोनों अवतल होंगे गाइस तो दोनों की फोकस दूरियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी, अर्थात जो F1 है वो भी आपका माइनस F1 हो जाएगा और जो F2 है वो भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस F2, केवल अंतर यही होगा। तो आइए इस फॉर्मूले में रखेंगे क्या मिल जाएगा, F बराबर जहां F1 और इंटू F2 है तो F1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, माइनस F1 हो जाएगा, फिर F2 के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस F2 हो जाएगा, पूरे के बटे F1 प्लस F2 तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस F1 और माइनस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक आप इतना बात समझ रहे हैं। अब देखिए माइनस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, F1 इंटू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले बच्चों तो F1 प्लस क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। तो आपका जो फार्मूला आता है लास्ट वाला रिजल्ट निकल के वो आता है माइनस F1 F2 बटे क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या होता है, F2 होता है। तो जब दोनों अवतल लेंस होते हैं तब के लिए ये फार्मूला होता है। अगर हम केस रख दें कि एक उत्तल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तब क्या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं फार्मूला, उसका भी हम लोग आसानी से फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा,
थर्ड केस में क्या कर देते हैं, जब एक उत्तल हो, जब एक उत्तल हो तथा दूसरा क्या हो भाई, अवतल हो, दूसरा अवतल हो। चले तो क्या होगा, तो जो मान लेते हैं अगर पहला उत्तल है तो ये उत्तल की फोकस दूरी प्लस रहेगी, अगर दूसरा अवतल है तो दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस यही अंतर होगा। अब आते हैं हम फॉर्मूले में, रखते हैं क्या था, एफ बराबर एफ वन इंटू एफ टू, तो एफ टू के स्थान पे क्या है भैया, माइनस एफ टू है, और पूरे के बटे क्या था, एफ वन प्लस एफ टू था, और एफ टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ टू हो जाएगा, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस एफ वन इंटू एफ टू, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, एफ वन माइनस एफ टू। तो भैया जब हम लोग कहते हैं कि एक उत्तल हो और एक अवतल हो तब के लिए फोकस दूरी ये होता है संयुक्त लेंस की, और जब दोनों अवतल होते हैं तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये पूरी टॉपिक आपकी क्या होती है, समाप्त होती है, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तीनों केस हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों को आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट न रह गया होगा। हाँ, परंतु ऐसे कुछ प्यारे बच्चे हैं जिनको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारी रहने वाली है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। भाई न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहां पर नहीं आया अपना सिद्धांत दिए, मतलब आप मिला जुला के चाहे शुरू से लेके अंत तक चैप्टर स्टार्ट करोगे न्यूटन न्यूटन न्यूटन। ठीक भाई, न्यूटन ने यहां पर भी नियम दिया, प्रकाश में भी अपना मत दिए, प्रकाश में भी अपना विचार प्रकट किया। क्या किए हैं वो ध्यान से देखिएगा। आज तक हम लोगों ने हाई स्कूल तक ये पढ़ा था कि सभी दूरियां लेंस के या दर्पण के वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। क्या आप यही पढ़े थे पहले बच्चों? बिल्कुल आप यही पढ़े होंगे कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र से मापी जाती हैं। परंतु न्यूटन भाई साहब बताएं कि यदि हम क्या करें कि चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, अगर हम लेंस के मुख्य फोकस से मापे तो इसकी तुलना में सुविधाजनक होता है। यानी लेंस न्यूटन ने क्या बताया कि जो दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से माप रहे हैं अगर वो दूरियां लेंस के मुख्य फोकसों से मापी जाए तो इसके तुलना में सुविधाजनक होता है। तो यही न्यूटन भाई साहब ने अपना सिद्धांत दिया था, यही चीज न्यूटन का सूत्र है। अब कैसे होता वो ध्यान से देखिए। अब यहां पर ये है प्यारे बच्चों, पहले उसको हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं तब बात करते आगे। लेंस की फोकस दूरी के लिए जो न्यूटन का सूत्र है वो, उसके लिए डायग्राम हम लोग ये बनाते हैं। अब वो होता क्या है, उन्होंने कहा कि यदि हम किसी वस्तु की जो दूरी है वो लेंस के भाई प्रकाशिक केंद्र से ना माप कर यदि हम लेंस के मुख्य फोकस से मापे तो वो आसान होता है, वो सुविधाजनक होता है। अब उसके लिए उन्होंने क्या सूत्र दिए वो ध्यान से देखिए। अब उसके लिए हमने क्या कहा कि यदि किसी वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र की अपेक्षा मुख्य फोकस से मापना सुविधाजनक होता, जो हमने चीज बोला वो चीज लिखा है। फिर आगे क्या करा, यदि मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु है जो लेंस के प्रथम फोकस से, लेंस के प्रथम फोकस से कितनी दूरी पर है, एक्स डैश पर है, तो यही लिख रहा कि यदि एक वस्तु लेंस के प्रथम फोकस से दूरी एक्स डैश है, प्रथम फोकस से दूरी कितनी है, एक्स डैश है, और इसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है आई आई डैश उसकी द्वितीय फोकस से दूरी कितनी है, एक्स है, यही तो लिखा है, तथा इसके प्रतिबिंब की लेंस के द्वितीय फोकस से दूरी एक्स हो, तब इस स्थिति में ये और ये इनका गुणनफल इन दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। भाई न्यूटन ने ये बोला, अगर ऐसे एग्जांपल समझा जाए, इधर देखिए उन्होंने कहा भाई अगर मुख्य फोकस से वस्तु 2 मीटर दूरी पर है और प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु 2 मीटर दूरी पर है और द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब 3 मीटर दूरी पर बनता है तो ध्यान से देखिए तो 3 और 2 का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। भाई आप ऐसे समझ लो एक्स एक्स डैश बराबर क्या हो गया, एफ एफ डैश। अब हम इसके सूत्र का क्या करते हैं, निगमन करते हैं। इसके सूत्र का निगमन करने के लिए बहुत ही आसान सा प्यारा सा सूत्र है प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं किसका निगमन कैसे होता है।
अब देखिए सबसे पहले निगमन करने के लिए हमारे पास त्रिभुज है ओ ओ डैश एफ डैश, अगला एफ डैश सी और जे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है भैया, समरूप है। जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही चीज करना है, तो आइए ध्यान से देखते हैं अब हम कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए त्रिभुज ओ डैश एफ डैश, त्रिभुज ओ डैश एफ डैश तथा अगला एफ डैश सी जे तथा त्रिभुज एफ डैश सी डैश जे एक दूसरे के क्या है, समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। अब भैया जब ये समरूप है तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ओ डैश बटे सी जे, ओ डैश बटे सी जे बराबर होगा ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी, ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी। अगर आप चित्र से देख पा रहे होंगे जो सी जे है भैया वो आई आई डैश के बराबर है, तो चित्र से ये पता चल रहा है कि जो सी जे है वो आई आई डैश के बराबर है, तो जहां सी जे है हम वहां आई आई डैश रख देंगे, तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी, समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, एम सी एफ, त्रिभुज एम सी एफ, अगला त्रिभुज जो है प्यारे बच्चों वो है एफ आई आई डैश, त्रिभुज एफ आई आई डैश एक दूसरे के क्या है, समरूप है, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। जब प्यारे बच्चों ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है, तो समरूपता का नियम क्या कहता है कि भैया इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनकी संगत भुजाएं कौन है, देखिए इधर एम सी लेंगे बटी क्या हो जाएगा, इधर आई आई डैश हो जाएगा, आई आई डैश बराबर, इधर सी एफ लेंगे, क्या लेंगे प्यारे बच्चों सी एफ, तो क्या हो जाएगा सी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ आई हो जाएगा। अब आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो एम सी है वो ओ डैश के बराबर है, तो भैया ओ डैश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इनको अलग करते हैं यहां से, अब जहां एम सी है वहां अगर हम ओ डैश रख दें तो बटे आई आई डैश बराबर सी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ आई। समीकरण नंबर दो, अगर हम देख रहे होंगे कि समीकरण एक और दो का ये पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रखिए समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी बटे क्या हो जाएगा पहले बच्चों, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर सी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ आई। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखना, बस दाएं की दूरियां धनात्मक बाएं की दूरियां ऋणात्मक, इस बात को ध्यान देना। तो ओ एफ डैश, ओ से लेके एफ डैश की दूरी एक्स डैश है परंतु ये बाएं है तो ये माइनस हो जाएगा, एफ डैश सी ये भी आपकी बाएं तरफ की दूरी है तो ये भी आपकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, एफ डैश हो जाएगा बराबर। सी एफ तो सी से लेके एफ की दूरी कितना है, एफ है, ये आपकी दाएं तरफ है तो ये धनात्मक रहेगी। और अगला क्या है प्यारे बच्चों, अगला एफ आई है तो एफ से लेके आई तक की दूरी एक्स है, तो भैया ये माइनस माइनस कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स 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 डैश हो जाएगा बराबर एफ एफ डैश। तो यही तो है प्यारे बच्चों न्यूटन के सूत्र का निगमन, भैया यही है न्यूटन का सूत्र, लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो यही है न्यूटन का सूत्र। उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से पूरी चीज क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों, यदि कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको वीडियो पसंद आया है और यदि आपको समझ में आई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।